दिल्ली के मयूर विहार के सेंट मैरी स्कूल में बुधवार को दिल्ली एनसीआर एरोबिक्स एंड हिप हॉप चैंपियनशिप का आयोजन कराया गया। कार्यक्रम का आयोजन स्पोर्ट्स एरोबिक्स एंड फिटनेस एसोसिएशन दिल्ली के द्वारा इंडियन स्पोर्ट्स एरोबिक्स एंड फिटनेस फेडरेशन के अंतर्गत कराया गया, जिसमें दिल्ली एनसीआर के लगभग 10 स्कूलों की 48 टीमों के लगभग 150 बच्चों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में सेंट मैरी स्कूल की टीम प्रथम स्थान पर रही, बीपीएस पुष्पांजलि की टीम दूसरे स्थान पर रही, वहीं सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल और सरदार पटेल विद्यालय की टीम तीसरे स्थान का पुरस्कार मिला। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री ओपी शर्मा जी विधायक, फादर पॉल रॉय मैनेजर सेंट मैरी स्कूल एलसी, प्रिंसिपल सेंट मैरी स्कूल विपिन शर्मा, श्याम पटेल, जगदीश गौतम के अलावा कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कार्यक्रम के आयोजककर्ता संजना यादव, पवन त्यागी, ममता रावत व मीनू वोरा जी ने प्रतियोगिता के सफल आयोजन पर सभी को धन्यवाद दिया। क्या लगता है कि इस तरीके के कदम कितने महत्वपूर्ण होते हैं इन बच्चों के लिए, जो कि आज के टाइम में फिटनेस बहुत बड़ा एक सवाल होता है हर बच्चे के लिए कि भाई फिटनेस नहीं होती बच्चों में ना। आप क्रिएटिव वे में आप लोग जो इनक्रेज करते रहेगा तो शायद बाहर आके बच्चे भी खेलने कूदने एक्सरसाइज करने लगेगा, नहीं तो मुश्किल होता है, अंदर बैठ के टी वी देखेगा या वीडियो देखेगा। अच्छा, फर्स्ट टाइम ऐसा कोई आयोजन किया गया है जिसमें कि हिप हॉप एरोबिक्स और ऐसा एक स्पोर्ट्स रखा गया है जिसको कि बच्चे एंजॉय भी करें और खेले भी, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे स्पोर्ट्स और कितने ज़्यादा होने चाहिए बच्चों की लाइफ में? आजकल हमें ना कुछ इंटरेस्टिंग करना पड़ेगा लोग बच्चों के विकास से, जैसे फूड होता है ना तो फास्ट फूड में बच्चे और अच्छा लगता है तो क्रिएटिव होता है, अट्रैक्टिव होता है, उसी तरह स्पोर्ट्स को भी अट्रैक्टिव बनाएगा तो लोग खेलेंगे कूदेंगे फिट रहेंगे। क्या मैसेज देना चाहेंगे सभी बच्चों को जो आज आए हैं और पार्टिसिपेट किया है इस इवेंट में? मैसेज यही है कि ऐसे आगे बढ़ते जाइए और क्रिएटिव करते रहिएगा, पढ़ाई में भी अच्छा आ सके, ताकि क्योंकि माइंड फिट रहेगा, बॉडी फिट रहेगा तो माइंड फिट रहेगा, माइंड फिट रहेगा तो पढ़ाई में अच्छा आ सकते हैं। I'm Sister Elsie, principal of the school. मैम, एज ए प्रिंसिपल आपने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया अपने स्कूल में, क्या कहना चाहेंगे कैसा प्रोग्राम है और क्या क्या यहाँ पे बच्चों को सीखने को मिलेगा? एक्चुअली इट हेल्प्स इट इन टुडेज वर्ल्ड, चिल्ड्रन आर नॉट एक्सपोज टू सो मच ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, एज अ रिजल्ट दे बिकम मोर व्हाट यू कॉल समटाइम्स डिस्ट्रैक्टेड, डिस्ट्रैक्टिव, दिस इज अ वे ऑफ स्पेंडिंग दैट एनर्जी, बिकॉज आई फील फिजिकल हेल्थ, this brings about wellness and physical health which is so much connected with mental health as well. Ma'am, yeah. Sports ki ek category hoti hai aerobics jise aap kara rahe hain, to school mein aapke kitne sports hain aur kis tarike se promote karte hain sports ko? Sports we do, we have a part from the normal PT periods, morning we have mass PT for the whole school and also evening we have sports club, a number of children they are very keen on coming and participating. आज यहाँ काफ़ी सारे स्कूलों से अकेडमी से बच्चे आए हैं जो कि इसमें पार्टिसिपेट ले रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे कैसे अपने लाइफ स्टाइल को फिटनेस मिलें? आई फील पार्टिसिपेटिंग इन दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज कीप देम हेल्दी विच हेल्प्स देम टू बी हैप्पी बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड विद मेंटल एटीट्यूड एज वेल, इट बिल्ड्स अप सेल्फ कॉन्फिडेंस, इट हेल्प्स देम टू स्टडी बेटर। मैम, ये प्रेरणा कैसे मिली कि आपको ये एक इवेंट कराना है कि बच्चों को एरोबिक्स और फिटनेस के लिए मोटिवेट? एक्चुअली सिंस सम इयर्स वी हैव गॉट अ टीम, मैम इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन इट, दे गो फॉर इंटर स्कूल इवेंट्स सिंस मेनी इयर्स, सो व्हेन दे सजेस्टेड प्रपोज टू दिस आई सेड गो अहेड। अच्छा, आपको दिल्ली स्पोर्ट्स एरोबिक्स एसोसिएशन भी सपोर्ट कर रही है और भी कई संस्थाएं हैं जो आपके साथ जुड़ी हैं, तो क्या लगता है कि ऐसी संस्थाएं आगे आ रही हैं तो इसमें आगे और भी बढ़ोतरी हो सकती है? या डेफिनेटली, मोर एंड मोर चिल्ड्रन शुड बी encouraged to participate in this kind of activities. کیا
क्या कहना चाहेंगे इन सभी संस्थाएं के जो आप लोगों को इस इवेंट में सपोर्ट कर रहे हैं? आई रियली फील हैप्पी दैट एट लीस्ट सम स्कूल्स हैव कम फॉरवर्ड दो इट इज एन एग्जामिनेशन टाइम वी एक्सपेक्टेड मोर टीम्स बट ऑल द सेम दो फ्यू टीम्स ओनली बट स्टिल इट्स अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट आई थिंक. दिल्ली NCR एरोबिक क्लब के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में अलग अलग स्कूलों से आए हुए बच्चे अपने एरोबिक्स में उनका जो अपना स्पेशलाइजेशन है उसका प्रदर्शन आज देखा. तो बच्चे इस सब्जेक्ट में बहुत ही तन्मयता के साथ उत्साह और उमंग के साथ जो भाग ले रहे हैं. मेरा ये मानना है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहता है. तो बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी उनका पार्टिसिपेशन रहे ये बच्चों के स्वास्थ्य के लिए समाज के स्वास्थ्य के लिए और देश के स्वास्थ्य के लिए जरूर. अच्छा सर एज ए MLA आप यहाँ आए हैं और आपने देखा कि बच्चों में काफ़ी ऊर्जा भी है स्पोर्ट्स को बहुत प्रमोट किया जाता है तो आप कैसे स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं? निश्चित रूप से स्पोर्ट्स अपने जीवन का एक अंग है और पढ़ाई जितनी ज़रूरी है उतना ही स्पोर्ट्स भी जरूरी है मेरा ये मानना है. अच्छा बच्चों के लिए क्या मैसेज होगा? नहीं बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें जो मोदी जी कह रहे हैं हम तो उसी में हैं. बच्चे पढ़ें आगे बढ़ें और स्वस्थ बच्चे जब पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे हमारा देश भी स्वस्थ होगा. धन्यवाद. सबसे पहली बात मेरी बच्ची सी स्कूल में पढ़ती है और एरोबिक्स उसने यहीं से करना शुरू किया. ये जो इनिशिएट स्कूल ने लिया बहुत ही अच्छा इनिशिएट है बिकॉज इनकी टीम और भी जगह खेलने जाती है जैसे बाल भवन में नेशनल लेवल पर खेलने गई. अभी CBSE ने भी ऑर्गेनाइज किया था साल भवन स्कूल में भाग लिया. तो ऐसे इवेंट ज़रूर होने चाहिए. बच्चों में एरोबिक्स एक ऐसी चीज़ आज के समय में बहुत ज़रूरी है बिकॉज फिट रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो हम एज ए पेरेंट बहुत खुश हैं कि एक स्कूल इतना पार्टिसिपेटिव है इतना एक्टिव है सारी. अच्छा आपको कैसे लगा कि आपकी बच्ची स्पोर्ट्स में जानी चाहिए या कोई गेम एरोबिक्स आपने उसके लिए सिलेक्ट किया? सर सिलेक्शन हमने नहीं किया. हम थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखते हैं. मेरी बेटी ने जो मुझे चॉइस बताई यूजली हम उसके इंटरेस्ट पे जाते हैं क्योंकि मैं एक चीज़ पे यकीन करता हूँ जो चीज़ आप लाइक करते हो आप उसमें बेस्ट कर सकते हो. तो इसलिए मैं उस वो जो कहती है वो सिर्फ एरोबिक्स ही नहीं वो यहाँ पे कराटे भी सीखती है वो डांस भी करती है तो वो जो कहती है हम उसको हर जगह करने देते हैं. मैम आप आए हैं एज ए मदर कितना प्राउड फील हो रहा है बच्ची आपकी पार्टिसिपेट कर रही है? मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है. मैं बहुत खुश हूँ और उसका मतलब उसको शौक है बहुत ज़्यादा तो मैं बहुत खुश हूँ. अरे क्या लगता है आप जैसे इसके बाद कितना इम्प्रूवमेंट अपने बच्चे में देखने को मिलेगा? अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट. क्या होता है बाहर के बच्चे हैं कॉम्पिटिशन देखने को मिल रहा है बच्चे को तो कैसा उससे फ़ायदा मिलेगा बच्चे को? बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा देख के बच्चे मिलते हैं आपस में बहुत कुछ सीखते हैं. और ऑर्गेनाइजर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे कैसा उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन? बहुत अच्छा करा है बहुत बढ़िया है. अच्छा सर काफ़ी फन और एंटरटेनमेंट वाला गेम है तो बच्चों को इससे काफ़ी मोटिवेशन भी मिलती है. तो जैसे आजकल कहते हैं कि मोबाइल्स वगैरह बहुत यूज़ करते हैं बच्चे तो उससे कितना बच्चा आपका दूर रहता है और उससे कितना ज़्यादा अफेक्ट होता है? हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा बिकॉज एक इसका इफेक्ट मैं आपको बताऊँ जब वो घर पे जाके ऐसी प्रैक्टिस करती है तो इसकी मदर ने भी वो करना शुरू कर दिया है. सो मोबाइल से तो जहाँ रख ही रहा है साथ के साथ पेरेंट्स को भी मोटिवेट कर रहा है बिकॉज यू नो हम भी वर्किंग लाइफ में ऐसे इतना टाइम मिल नहीं पाता. बच्चे को हम गेक करते देखते तो हम भी कोशिश करते हैं कि उसके साथ करें. तो ऐसे इनिशिएट ज़रूर होने चाहिए और मैं आपके क्वेश्चन का आंसर यही दूंगा कि यस ये सारे जो जरिए हैं इनके थ्रू हम बच्चों को जो मोबाइल बेस्ड जो चिपके रहते हैं उससे बहुत आसानी से दूर रख सकते हैं.